उस पर और हमारे इस हलके के लोकल लीडर के ताल्लुक से चंद बात कहूँगा और रियासत कर्नाटक के बड़े बड़े लीडर कांग्रेस के उनके मुताबिक चंद बातें कर दूँ। तेरे फजल के दम से रहमत है जिंदगी, तेरा करम ना हो तो कयामत है जिंदगी। यकीनन उसका करम है, उसका फजल है कि आज मैं और आप एक कौम की फिक्र लेकर चुनने की अल्लाह की नजर में तौफीक दिया, ताकत दी। हजरात, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये इलेक्शन करीब है। जैसे ही इलेक्शन आता है, नए बारिश की तरह नए बरसात जब आते हैं तो मेंढे का मुंह टकराता है। ऐसा पूरे हलके के अंदर बहुत सारे लीडर पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही। अल्लाह उनको ये करना, तरह तरह की बातें, तरह तरह के ये खाली कुछ होट लांगने बैठी हाउस में लोकल जो मेरे से छोटे मोटे लड़ रहे उन्होंने उनको इलेक्शन आया तो इलेक्शन में कलेक्शन कर दो, एक राज करे उन्होंने उनके जमाने में बात क्या करा ले कर दो, क्या करना भी क्या थे यजमान को बोल को जो अजमिया बोल रही क्या थे और शादी कराना रहेगा शायद वो थे भी कहते बोले थे क्या करे सबको मालूम है क्या करे कर हल्का चामराज के अंदर एक बहुत बड़ा मसला जो ईद का था हमें करीब या हमें ना मालूम टिपुलर से करीब जमाने से मोमिनुल्लाह करीब जमाने से वो मसला कोई मई के लाल में हिम्मत नहीं थी, कोई मई के लाल में वो जज्बा नहीं था, कोई मई के लाल में ताकत नहीं थी। उतना बड़ा मसला अपनी हिम्मत से प्यार मोहब्बत से पूरे उम्र लेको एकजुट होकर जो काम करे वो काम करे क्या करे। ये चाचा नगर के अंदर एक हमारे भाइयों में दो मसलों के बीच एक मसला हो रहा मस्जिद का मामला लेको बैठी यहां जिम्मेदार क्या सर साहब गए देखे दो भी मान्य तैयार नहीं एक से बढ़कर एक ही करे अपने जाति मैंने से कितने एक करोड़ रुपए कहते एक करोड़ रुपए देखो मस्जिद ही चलना बना ले आज आजाद नगर का मन है तो सिर्फ और सिर्फ जमीन मत खान सब की जाने से क्या करे क्या भी करना सो अब वो बोल रही नहीं जो बोल रही उनके अभी भी शाहजहां करा लगा देगा हिम्मत करेंगे इंशाल्लाह आता है सर वक्त। और रहा हमारे अफजल मौला की शादी वाल का वहां एक मस्जिद बने वो सदन को मालूम नहीं पर सुहाग दौर में क्या बोलना समझ में आ रहा नहीं ये बहुत बड़ा मसला होगा इश्यू होगा तलवारा लांगा पूरे ग्रुप आगे ये शेर ये मई का लाल जमीर अहमद खान जाको उनको समझा दो मना दो वो एक रेलवे स्टेशन के अंदर बड़े बड़े रियासत कर्नाटक के ठेकेदार अपने आप को कौम के बहुत बड़े सूरमाया बहुत बड़े बादशाह अब उन्होंने जब काम लेते कि आसाम के जो मदरसे के बच्चे थे उनके वास्ते जाको कोई मई का लाल नहीं था ये जमीन अहमद खान साहब जाको वो बच्चा को रिहा कर क्या करे अरे इसको बच्चा को जाकर रिहा कर अब क्या कहते इलेक्शन आगा बड़े अफसोस की बात बड़े इसकी बात बड़े दुख की बात अब इलेक्शन आगा तो वो आदमी वो से आदमी जिसे यजमान ले ले वो फिरे जी जो लीडर को साथ दिए आज उन्हों मेरी समझ में उनको क्या आधार को मगर मैं बोल दो जिसको जो समझना है समझ ले मैं अपनी मिजाज पे कायम रहूंगा जिसको जो समझना है समझ ले मैं अपने मिजाज पे कायम रहूंगा जो हक बात है वो डंडे की चोट पे कहूंगा क्या कहे आज हमारा लीडर बड़ी अफसोस की बात आज हमारे हालात कैसे यूपी में क्या हो रहा है गुजरात में क्या हो रहा है आज हमारा एक भाई पार्टी को आ रहा है तो तुम्हें जमाने से फोन के नाम पर उल्टा सिख लगो नई नाम को स्टेटमेंट आ दे रही वाह क्या फोन के अजमान देखो क्या फोन के लीडर आई आज पूरा रियासत मालूम है कौन फोन के वास्ते कर रहा करो अब एक गाना गाएगा यहाँ भी तेरा जलवा वहां भी तेरा जलवा रखो जहां भी जाओ जमीर अहमद खान का जलवा ताप नहीं क्या करेंगे तो कांग्रेस को नहीं आना आप लोग बोल रहे थे क्या इनके कांग्रेस इनके बाप के घर की जागी हुए आप जमीर साहब ले लड़े सो बड़ी दुखी बात भी बसमान था मेहरबानी से
बड़ी अफसोस की बात, आज हमें क्या करना कर दो, हमारा एक भाई उभर पाया कर दो, उसे वेलकम कर दो, काम भी हमारे इतना रंगे कोसी पार्टी में भी रंगे, उसे ले को आगे बढ़ा को, उन्हों उनकी जगह सलामत कर को, पूरे मिलको हमें पूरे मुसलमान लीडर मिलको बीजेपी का खात्मा करती तो वो नहीं कर रही, क्या बड़े बता तो स्टेटमेंट परसों से भी व्हाट्सएप में मिले तुम्हें कौन के अल्लाह का ने करे और इलेक्शन मुखड़ने के पूरे हमको खाबा ये साजिश कर रही हो जी साजिश हमने किसे भी क्या भी नहीं साजिश क्या करो आ जाओ मैं अब अल्लाह से गुजारिश करूंगा बराए कर निश्चित करो एक साजिश क्या साजिश पूरे कांग्रेस के बड़े लीडर को ये परेशानी है ये हलचल है उनको बेरुख से बेखरारी शुरू हो गए इन्हें आगा दो जमीन आगा दो हमारा क्या होता है ऐसा नहीं तुम्हें बिल्कुल ले जाकर दो गोरी बार बार रहे ये मैसूर के एक बड़े लीडर उनके साथ क्या हुआ था एक बचका ना हरकत कर दो कुर्सी ही नहीं डगमगाई थी थी ये जमीर अहमद खान साहब जाको उनकी कुर्सी को बचाए वो लीडर बोलता है जमीन को कांग्रेस में ले लाने क्या कौन जी क्या लीडर जी अरे शरीफ साहब नाम न तो बड़े आशाए दादा एक बात बात जहीन से चला जाए क्या हुआ एक बार एमपी इलेक्शन उखड़े थे हमारा भाई को मालूम नहीं मैं एक बार विवेक नगर को इलेक्शन में गया था हमारा भाई साहब कहां से खड़े थे कौनसी पार्टी से जेडीएस पार्टी से इलेक्शन में खड़े थे विवेक नगर में एक शादी माला है स्पीच में बोलती हूँ भूल गई मैं याद रखी हूँ क्या बोलती हूँ मैं खड़ना नहीं हुआ था अगर कांग्रेस से हमारे शरीफ साहब को मिलते तो मैं नहीं खड़ता था अगर मैं क्या हमारे दीवाने भी पार्टी की बात करो ये बात करो हम आज उन्होंने कहते जमीन को सीट नहीं देना कि तुम्हारा बाबा की पार्टी क्या तुम्हारे बाबा की याद थी क्या नहीं जमीन तुम्हें जितने भी लेटर मर रही जमीन साहब को नहीं देना नहीं देना अगर वो तुम्हें मालूम नहीं जमीन की वो शख्सियत किसी मोहताज किसी पार्टी का मोहताज नहीं हो किसी पार्टी के मोहताज नहीं और अमीर में दावे से बोलता हूँ ये जमीन अहमद खान साहब ईद के मैदान में ये कुमार स्वामी सीएम थे जब ईद की नमाज को नहीं आए इसके वो कुर्सी को लात मारने वाला शेर जमीर अहमद खान आज सुना तुम्हारी पार्टी तुम ना मुबारक तुम्हारी पार्टी तुम ना मुबारक जमीर साहब शेरों का शेर कौन शेर यहाँ हमारा कलीम का शेर हमारा शहीद है हमारा सरवर शेर हमारा अक्रम का शेर हमारा गोविंद का शेर गोसी शेर गोद हमारे सनादा शेर हमारे राम शेर पूरे अरसे के शेर आप इतने जो मैं इनकी जिम्मेदारी से बोलता हूँ हम ना कोई पार्टी की जरूरत नहीं हम ना बड़ी बात कर रहे हो जमीर साहब हमारे ऊपर भरोसा कर दो आराम से घर में सो दे हम ना खाली उनके बस देने कहते कि ये 140 की स्पीड में विधानसभा के दरवाजे तोड़ दो हमें लेने की अभी बस हमारा यह हौसला यह हमारा चैलेंज अगर नहीं लेने को दे दो अगर आप उसको नहीं लेने दे दो मैं पूरे शेरा की तारीफ से मैं तुम ना बोल रहा हूँ मेरी एक की बात नहीं हमारे बाबड़ा का है हमारे रिजू का है हमारा अक्रम भी हमारा चैन का हमारा जाकिर भी हमारा रवि हमारा इन्हें गोविंदा हमारा मारे मुकुला अशोक ये काजा जैसे सुर माया बहुत बहुत होगी मन से किस बात का दसो इधर आ सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए आजमाए अपनी ताकत भाई आज हलके में सब भी अपने गली गली में बात मैं ये रक्षण कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ खड़ बे अल्लाह अल्लाह तुझे फसल के तेरे मकान लग क्या बात मगर बड़ी जिम्मेदारी से बात कर दो हलके चामराज पेट के अंदर हमारा घराना दो बार इलेक्शन एमएलएशन कांटेस्ट करा हमारे मुखदर में जीत नहीं थी मगर हत्थी को हराने वाला आदमी हमारा घराना मगर मैं सोचो कि मैं इलेक्शन खड़ा तो इससे बड़ा कमीना मैं अपने आप को नहीं समझता ठीक है तो मैं इलेक्शन खड़ना सोचा तो कहा ये जगह बहुत बड़ा गुनहगार कौम के वास्ते कौम के अंदर के वास्ते कौम के गरीबों का गरीबों की मदद के वास्ते भाड़ा जैसा हम ना रखो मैं जमीर साहब से गुजारिश कर दूंगा कि मरते दम तक हमें मैं हंसकर आप अपने मुझे पूछ रही
तुम्हारा क्या भी, तुम्हारी कौन सी पार्टी, मेरी पड़ोसी की पार्टी नहीं, मेरे गरीबा की पार्टी, मेरे यतीमा की पार्टी, मेरे मजबूरा की पार्टी। जो पार्टी जो मजबूरा का नेता है उसकी फौज में, मैं हमारे भाई की फौज में, मैं एक सिपाही सरदार था, एक शहनशाह की फौज में एक मामूली रखना सिपाही हो तो मैं उनके ओर से काम कर रहा हूँ। मुझे ना कोई सीट चाहिए, ना कोई इलेक्शन चाहिए, ना मुझे कोई